तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगन का समय शुरू होने वाला है और पवन सिंह इस बार भी लगन में कब्जा करने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पवन सिंह का एक नया गाना ग्लोबल म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आया है, जिस गाने का बोल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस गाने का बोल है गोदी में लेकर के, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही बजने वाला गाना है। इस लगन में पवन सिंह का ये गाना गर्दा उड़ा देगा, ये आप 100% लिख करके ले लो। और दोस्तों, जब से ये गाना आया है तब से सभी सालियों के लिए संकट का घड़ी शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ये गाना इस लगन में बहुत ज्यादा बजने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इसी गाने का पूरा रिव्यू देंगे और थोड़ा बहुत रोस्ट भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। खराब यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षपाती के। सबसे पहले बता दें दोस्तों, पवन सिंह का इस गाने के अंदर एक स्टोरी छिपा हुआ है, जो कि आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। दोस्तों, इस गाने के अंदर जीजा और साली का स्टोरी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के साथ में पवन सिंह ने इस गाने को रिप्रेजेंट अपने ऑडियंस के पास किया है। और दोस्तों बता दें, पवन सिंह के साथ में जो गाना गाई है वो शिल्पी राज का आवाज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वही बात कर ले इस गाने के अंदर जो हीरोइन है क्यून सालनी, वो तो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी बैक टू बैक पवन सिंह और क्यून सालनी का गाना बेहतरीन आते जा रहा है और इस लगन में यह गाना गर्दा उड़ा करके बजने वाला है। अब दोस्तों बात कर ले इस गाने के लिरिक्स के बारे में, तो इस गाने के अंदर लिरिक्स बहुत ही बेहतरीन है, साफ सुथरा लिरिक्स है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इतना चलता है लगन में। और दोस्तों वही बात कर ले म्यूजिक के बारे में, तो इसमें म्यूजिक दिया गया है आर्या शर्मा के द्वारा, जो कि म्यूजिक भी बहुत ही कमाल का इस गाने के अंदर सुनने को मिला है। जब आप ईयरफोन लगा करके गाना सुनोगे तो आपको म्यूजिक का अंदाजा लग जाएगा कि कितना बढ़िया म्यूजिक बनाया गया है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब दोस्तों वही बात कर ले पवन सिंह के एक्टिंग के बारे में, तो एक्टिंग तो कहना ही नहीं है, गजब का एक्टिंग की है पवन सिंह इस गाने में। और इस गाने को सुनने के बाद लग रहा है दोस्तों कि पवन सिंह फिर से वापस पुराने अंदाज में अपने गाने को गाए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस गाने में कभी कभी स्लो वर्जन आ जा रहा है और कभी बीट के अनुसार फास्ट वर्जन आ जा रहा है। अब आखिरी में दोस्तों बात कर ले इस गाने का वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। और लास्ट में नंबर देने का बात आ जाए तो इस गाने को नंबर दिया जाता है 10 में से 10। जी हाँ दोस्तों, इस गाने में कोई भी कमियां नहीं है और ये गाना दबा करके बजने वाला है। अभी तक यह गाना 3 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर चुका है, तो आप लोग को सपोर्ट करना है इस गाने को और जल्द से 100 मिलियन का क्लब में इसको शामिल करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।